अभी हेमंत सोरेन हर जगह यही जा जाके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आकर के लोगों को यहां भड़का रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन को, क्या बताओ कि आपके पास आपके अगल बगल में रहने वाले लोग कहां के लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो आपको दुख भरभीत करके रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका विधायक प्रतिनिधि कौन है, बिहारी है, नाम जानते हैं आप लोग, यहां सेंट्रल मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था साहेबगंज में, पंकज मिश्रा, अभी कहां है, जवाब दे। और आज तक विधायक प्रतिनिधि है, जेल के अंदर में सड़ रहा, अभी तक उसको पार्टी से नहीं निकाला, विधायक प्रतिनिधि से नहीं निकाला। और जो भी वादे किया उन्होंने, इसी को हम 4.5 साल तक सदन के अंदर में बोलते रहा, उसको आईना दिखाने का काम करते रहा कि आपने जो वादा किया था, हमने यहां तक कहा था कि आपने जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, लेकिन आज तक ये भी काम नहीं हुआ। अब ये भी जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, 28 में 17 बाहर के लोग आए, उसके पहले टीचर की बहाली हुई, बाहर के लोग आ गए। और यही है हेमंत सोरेन ने माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, यही अस्थानी नीति को लेकर के गिराया था। और अस्थानी नीति को लेकर गिराने के बाद 14 महीने तक उनको शासन करने का मौका मिला था, लेकिन अस्थानी नीति नहीं बनाया। और अभी 4.5 साल पार हो गया, अभी भी अस्थानी नीति नहीं बना। आज जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये ट्रैक से बाहर हो चुका है। तो आप सभी लोग हमें जानते हैं, बहुत दिनों से हमें जानते हैं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही और बोरियो विधानसभा से 5 टर्म का विधायक रहा हूं। और हम माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का मैं चेला था, हालांकि गुरुजी को अभी भी हम बड़ा दिल में सम्मान दिए हैं और देते रहेंगे, बट ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर पूरा पसीना बहाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने सजाया सवारा और इस राज्य को अलग कराने भी बहुत बढ़िया भूमिका निभाया था। मैं तो आज धन्यवाद देना चाहता हूं, या हम लोग उनका ऋणी हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने झारखंड की आवाज को सुना और महसूस भी किया कि आज झारखंड अलग राज्य होना चाहिए। 72 राज्य अलग हुआ भी, और 2019 के चुनाव में मैं भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक एक मंच ने हमने साझा किया था, और उन्होंने जो कहा था, मैं उच्चा साक्षी हूं, मैं गवाह हूं, और उसका मैनिफेस्टो वो भी हम लोगों के समक्ष है। उन्होंने हर मंच में यही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी,
6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, रोजगार भी देंगे। उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ही कहा था कि यहां के नौजवानों को 25 लाख का ठेकेदारी हम देंगे। उन्होंने ही कहा था कि हम अस्थायी नीति बनाएंगे, आज तक अस्थायी नीति नहीं बना। बहुत सारे वादा उन्होंने किया, लेकिन मैं जानता हूं हेमंत सोरेन की सरकार में जितना घूसखोरी, इतना घूसखोरी बढ़ा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिना पैसा का कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। और यहां अभी हेमंत सोरेन हर जगह यही जा जाके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आकर के लोगों को यहां भड़का रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन को कि आप बताओ कि आपके पास आपके अगल बगल में रहने वाले लोग कहां के लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो आपको दुख दिख भरभीत करके रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका विधायक प्रतिनिधि कौन है, बिहारी है, नाम जानते हैं आप लोग, यहां सेटो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था साहेबगंज में, पंकज मिश्रा, अभी कहां है, जवाब दे। और आज तक विधायक प्रतिनिधि है, जेल के अंदर में सड़ रहा है, अभी तक उसको पार्टी से नहीं निकाला है, विधायक प्रतिनिधि से नहीं निकाला है। और जो भी वादा किया उन्होंने, इसी को हम 4.5 साल तक सदन के अंदर में बोलते रहा, उसको आईना दिखाने का काम करते रहा कि आपने जो वादा किया था, हमने यहां तक कहा था कि आपने जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, लेकिन आज तक ये भी काम नहीं हुआ। अब ये भी जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, 28 में 17 बाहर के लोग आए, उसके पहले टीचर की बहाली हुई, बाहर के लोग आ गए। और यही है हेमंत सोरेन ने माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, यही अस्थायी नीति को लेकर के गिराया था। और अस्थायी नीति को लेकर गिराने के बाद 14 महीने तक उनको शासन करने का मौका मिला था, लेकिन अस्थायी नीति नहीं बनाया। और अभी 4.5 साल पार हो गया, अभी भी अस्थायी नीति नहीं बना। आज जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये ट्रैक से बाहर हो चुका है। और मैं बार बार सरकार को आईना दिखाते रहा, आज जिसका आज हम नतीजा भोग रहे, हमको पार्टी से निकाल दिया। और हम बार बार इस बात को बोलते थे कि हम आपको आईना दिखाते हैं, आपने जो वादा किया है, आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, इसको आप धरातल पर उतारिए। अरे ज्यादा से ज्यादा लॉबी हम आपको पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से आप नहीं निकाल सकते हो। तो आज अभी इनका कहना था, सबसे पहले तो अबू आवास का आप लोग देख रहे हैं क्या हश्र हो रहा है। अभी सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन को जाना है, अब इसे मोह माया नहीं रह गया। और हर हाल में अब की बार किसकी सरकार, बीजेपी की सरकार बनाना है और हेमंत सोरेन को हटाना है, भगाना है। और
हेमंत सोरेन को भगाना है और झारखंड को बचाना है। तो भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आप लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज से लग जाए और अपना अपना बूथ कमेटी को तैयार करके रखे और उस बूथ में जितना से जितना ज्यादा आपका एजेंट हो और आपकी बार खास करके बोरिया विधानसभा से तीना पे है करे अपेठे जोता के बिहार है करा जेनु हेमंत सोरेन सरकार उन्हें दिन खबून यल की दिया आई मालिक ना कथा एक भी वैकेंसी नहीं नहीं मिटते हैं वैकेंसी बायो डुगली था आज तीन ऑनलाइन को कुड़ी की तरह कुड़ा की तरह को जिस ढंग से यहाँ के गार्जियन यहाँ के अपना बेटा और बेटी को पढ़ाने का काम किया डिग्री हासिल कराने का काम किया लेकिन आज वो डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। आज बाहर के लोग नौकरी यहाँ कर रहे हैं लेकिन आज हमारे बेटा बेटी को इसका नसीब नहीं है। अरे तीजा पे आई मालिक ने कथा मैया समान योजना रे मेन कहते मिमिन 1000 टका ता जुगले को लोई पे के ना जे बछर रे 12000 टका पे जामा तेही नुवा दो मिटे आपे जहां कहते भूलौरिया कथा करा आर तेही नुवा रे आलो पे बुझा तेही नित दो झारखंड मुक्ति मोर्चा रे और कोई तो हेमंत सोरेन के रहे तेही नुया सरकार निये दो हमने देखो लगाई हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी रिया सरकार बिना निये को बिन बड़ा कहते कि आपे हटे अड़ी अड़ी आशा बिसरा थिया जे नोडे खर्च लागो तो अपना अपना देहात रे आतू रे गांता रे बूथ रे ती आपे ओंडे पे कभी तब ना मोरे लगा को ते निये को बिन बड़ा कहते कि जो तो को जोहार जोहार जन्म दिसम जय हिंद जय झारखंड।